hello, my dear children, how are you all? i hope you are hale and hearty. and today we are starting a very interesting poem, a poem that gives you a very beautiful moral. and the title of the poem is a legend of the northland, written by phoebe carey. so let us start this interesting chapter, entertaining as well as informative poem written by phoebe carey with me. पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द टाइटल अ लेजेंड ऑफ द नोट लैंड वट यू मीन माई लेजेंड लेजेंड होता है बच्चों ओल्ड एंड ट्रेडिशनल स्टोरी बहुत ही पुरानी और पारंपरिक तौर पर चलती आ रही कहानियाँ कहलाती हैं लेजेंड और नॉर्थलैंड क्या है बच्चों लुक एट योर स्क्रीन्स वन ऑफ द आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के अंदर दो आइलैंड है बच्चों उनमें से एक है नॉर्थलैंड तो ये पोयम तुम्हें ले जाएगी न्यूजीलैंड के आइलैंड नॉर्थलैंड के ऊपर वहां पर एक लेजेंड है पर एक कहानी प्रचलित है वो कहानी हम पढ़ेंगे इस पोएम के अंदर बच्चों दिस पोएम इज कंपोज बाय फीबी कैरी यू कैन सी ऑन द स्क्रीन शी इज फीबी कैरी द पोइट ऑफ दिस पोएम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड स्टूडेंट्स दिस पोएम इज़ अ बैलेट बच्चों पोएम को भी हम अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं जैसे लिरिक होती है अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग होते हैं और एक होती है बैलेट ठीक है तो ये जो पोएम है ये बैलेट है ठीक है भैया बैलेट क्या होती है बच्चों बैलेट इट इज अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम नरेट्स अ स्टोरी ऑफन टॉक्स अबाउट फोक और लेजेंडरी टेल्स इट मे टेक अ फॉर्म ऑफ मॉरल लेसन और अ सॉन्ग बच्चों सबसे पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखनी है जो बैलेड होती है ना उसे गाया जा सकता है यानी कि उसके अंदर राइम स्कीम होती है राइम स्कीम तो हम एंड में डिस्कस करेंगे लेकिन तुम्हें ये बात ध्यान में रखती है कि बैलेड एक कहानी को नरेट करती है यानी कि बैलेड जो है वो एक कहानी सुनाती है उसके पोएम के अंदर बैलेट के अंदर राइम स्कीम ज़रूर होगी क्योंकि उसे गाया जा सकता है ठीक है और किसी लेजेंडरी टेल के बारे में कहानी के बारे में वो तुम्हें बताएगी और अंत में मॉरल लेसन में मिलेगा तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा सो बैलेट स्टोरी तुम्हें कहानी सुनाती है आमतौर पर जैसे लोग कहानियां प्रचलित होती हैं उसी तरह की कोई कहानी होती है यूजुअली सेट टू म्यूजिक राइम स्कीम होती है उसे गाया जा सकता है एंड सिंपल रिपीटिंग राइम्स ऑफन विद्रेन और एक रेफरन यानी कि एक लाइन होगी जो बार बार रिपीट होती रहेगी इस बैलेड में ऐसे कोई रेफरी नहीं है बट दिस पोएम इज कॉल्ड अ बैलेड तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि बैलेड क्या होती है तो तुम्हें ये यहां पर इसकी डेफिनेशन याद करनी है है कि ये होती एन अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड कैरी इज अ बैलेड सो स्टूडेंट्स दिस पोएम इज अबाउट सेंट पीटर अब बच्चों ये सेंट पीटर कौन है सेंट पीटर वॉज वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीजस क्राइस्ट जीजस क्राइस्ट का नाम आपने सुना होगा क्रिसमस मनाते हैं ना वो जीजस क्राइस्ट के लिए ही क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है ठीक है पच्चीस दिसंबर को होता है तो ये बच्चों ईसाई धर्म के प्रचारक रहे हैं जीजस क्राइस्ट वहाँ के गॉड हैं और सेंट पीटर उनके वन ऑफ द डिसाइपल्स हैं उनके बहुत सारे शिष्य थे उनमें से एक थे सेंट पीटर तो ये पूरे की पूरी जो पोएम है ये सेंट पीटर के चारों ओर घूमती है एंड अ लेडी और एक औरत भी है बच्चों इस पोएम के अंदर तो ये दो करेक्टर्स हैं अपने पास सेंट पीटर वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीजस क्राइस्ट एंड अ लेडी तो चलिए बच्चों इंटरेस्टिंग सी पोएम है शुरू करते हैं अवे अवे इन द लैंड वेअ द आर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे नॉट स्लीप दैम थ्रू वेअ दे हानिस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लैज वेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स इन दियर फनी फरी क्लोथ अवे अवे इन द नोट लैंड दूर की बात है अवे रिमोट फार ऑफ कहाँ की बात है नॉर्थलैंड की बात है अभी नॉर्थलैंड क्या था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एन आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड बच्चों आइलैंड क्या होता है भूमि का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे हम कहते हैं आइलैंड ठीक है island, तो नॉर्थलैंड की कहानी है बहुत दूर है नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू बच्चों जहां पर जो दिन का समय है यानी कि दिन जो है वो स्मॉल छोटे होते हैं एंड नाइट्स आर लॉन्ग क्यों होते हैं दिन छोटे और रातें लंबी बिकॉज दिस प्लेस इज कोल्ड वहाँ पर स्नो गिरती है बच्चों ठीक है तो देखो जब सर्दियाँ होती हैं तो रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा होता है द डेज़ आर स्मॉल एंड द नाइट्स आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर बच्चों वहाँ पर विंटर हमेशा सर्दी ही रहती है दैट द कैनोट स्लीप देम थ्रू और इतनी सर्दी होती है वन कैनोट स्लीप ऑल थ्रू द नाइट बहुत ज़्यादा देर तक कोई रात को सो नहीं पाता हानेस, द स्विफ्ट रेंडियर दे मीन्स वहां के लोग जो हैं हानेस मीन्स जोतना द स्विफ्ट अब बच्चों स्विफ्ट बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है स्विफ्ट गाड़ी भी है ना मारुति की स्विफ्ट डिजायर तुम सबने देखी है तो स्विफ्ट का मतलब बच्चों होता ही है फास्ट ठीक है इससे तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कार का नाम भी है स्विफ्ट कार कैसे चलती है फास्ट स्विफ्ट मीन्स फास्ट ठीक है ना तो वे दे हनेस द स्विफ्ट रेंडियर अब ये रेंडियर क्या होता है बच्चों लंबे सिंगों वाला हिरन मैं अभी तुम्हें आगे पिक्चर दिखा दूंगी तो वहां पर वो तेज चलने वाले तेज गति से फास्ट पेस से चलने वाले रेंडियर को लंबे सिंगों वाले हिरन को हनेस जोत के रखते हैं कहां पर टू द स्लेजज स्लेजज क्या होती है बिना पहियों की गाड़ी जो कि बर्फ पर यात्रा के लिए ही बनाई जाती हैं अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें स्लेज तुम्हें क्लियर हो जाएगी पिक्चर उस स्लेज के अंदर ना बच्चों पहिए नहीं होते वो गाड़ी होती है और वो बर्फ पर फिसलती है और रेंडियर उसे खींचता है ठीक है तो वहां पर जो लोग हैं वो रेंडियर को जोतते हैं बिना पहियों वाली गाड़ी स्लेज पर ताकि वो बर्फ पर यात्रा कर सके वेन इट स्नोज और ये कब होता है जब बर्फ गिरती है एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स और बच्चों वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो ऐसे लगता है जैसे बियर के कब हो अब बियर क्या होता है भालू भालू के कब मीन्स भालू के बेबीज ऐसा लगता है वो छोटे छोटे भालू के बच्चे हो इन देयर फनी फरी क्लोथ्स क्योंकि वो बड़े ही मजाकिया फनी फरी यानी कि फर वाले कोट्स पहनते हैं बच्चों वो ठंड से बचने के लिए ना फर वाले क्लोथ्स पहनते हैं तो उनको पहनकर वो ऐसे लगते हैं जैसे वो भालू के बच्चे हों मैं तुम्हें तो दिखाती हूँ सारी चीजें उससे पहले एक बड़ी एक्सप्लेनेशन आप सुन लीजिए इन इंग्लिश this poem tells the story of northland that is new zealand one of the islands of new zealand the days are always very short and the nights become very long in winter one cannot sleep all through the night a lot of snow falls in this country when it snows people harness the reindeer to their sledges children wear furry clothes they look very funny they look like a bear's cubs अब देखो बच्चों, दिस इज नॉर्थलैंड जिसकी आज ही हम पोय पढ़ रहे हैं ये देखिए बच्चों, और स्लेज, उससे उसको हानेस दिया गया है। और ये देखिए बच्चों, फरी कोर्स अब लग रहे हैं ना भालू के बच्चे छोटे छोटे से तो इस तरह के वो दिखाई देते हैं आगे चलते हैं दे टेल क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड आई टेल टू यू Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching, just as he did, you know, they tell them a curious story. तो वहाँ की बात है बच्चों, Northland की बात है। वहाँ के लोग ना a curious means strange, अजीब सी story सुनाते हैं। I don't believe it's true। poet कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी जो कहानी सुना रहे हैं वो सच है। And yet you may learn a lesson। अब वो सच है या नहीं ये तो पता नहीं लगता तो नहीं कि सच होगी। But दिस पर्टिकुलर स्टोरी गिव्स यू अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी एक लेसन मिलेगा इफ आई टेल द टेल टू यू अगर मैं आपको ये सुनाऊ तो सुनाऊ में आपको ये टेल सबसे पहले टेल वर्ड की बात करते हैं उस टेल से पहले देखिए बच्चों दो इंग्लिश में टेल होते हैं टी ए आई एल टेल और टी ए एल ई टेल अब पोएम में तो टी ए एल ई टेल यूज हुआ ना इट मींस अ शॉर्ट स्टोरी और टेल यानी कि पूछ रियर एंड ऑफ समथिंग तो ए ए टी ए आई एल टेल मीन्स पूछ टी एल ई टेल मीन स्टोरी अब पोइट यानी कि फीबी कैरी हमें कहती है अगर मैं आपको ये सुनाऊ टेल तो आपको बड़ा ही अच्छा मॉरल लेसन सीखने को मिलेगा सो आर यू रेडी टू गेट अ ब्यूटिफुल मॉरल लेसन टूडे सो लेट स्टार्ट वंस वेन द गुड सेंट पीटर तो बच्चों ये सेंट पीटर मैं शुरू में बता चुकी हूँ आपको वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीजस क्राइस्ट जो जीजस क्राइस्ट हैं उनके एक शिष्य है ये सेंट पीटर और वो गुड सेंट पीटर ही वॉज ए नोबल मैन बहुत ही अच्छे इंसान थे लिव इन द वर्ल्ड बिलो बिलो मीन्स आर्थ के ऊपर वो रहते थे पृथ्वी के ऊपर रहते थे एंड वॉकड अबाउट इट ट्रीचिंग और पृथ्वी पर वो घूमते थे प्रीचिंग करते हुए प्रीचिंग मीन दर्मोनाइजिंग धर्म के प्रवचन देते हुए लोगों को धर्म की बातें बताते हुए जस्ट एज ए डिड यू नो जैसा कि उनका काम ही था लोगों को धर्म के बारे में जागरूक करने का तो इस पूरे स्टेंजा में हमने क्या पढ़ा द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड टेलोक्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज टेल स्टोरी टू दे चिल्ड्रेन इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी बट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम इट द स्टोरी रिलेट्स टू अ टाइम

करते हुए प्रवचन देते हुए एक कॉटेज एक कुटिया एक हट के पास आ गए उसके दरवाजे पर इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ जब वो अर्थ पर घूम रहे थे धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए तो उन्हें कॉटेज एक कुटिया दिखाई दी अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स वहां पर बच्चों एक लिटिल एक छोटी सी औरत थी और वो केक बना रही थी केक तो आप सबको पसंद है ना एंड बेकिंग दैम ऑन द दर्थ और वो चूल्हे के ऊपर हाथ मतलब चूल्हे के ऊपर उनको बेक कर रही थी ठीक थी? है and being faint with fasting for the day was almost done he asked her from her store of cakes to give him a single one and being faint but to faint ka matlab वैसे तो होता है unconscious बेहोश होना यहां पर faint हम लेंगे weak कमजोर w e a k तो बच्चों उन्होंने फास्टिंग कर रखी थी उनका फास्ट था मतलब व्रत था और वो काफी कमजोर महसूस कर रहे थे खुद को क्योंकि पूरा दिन बीत गया था उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था सो ही हर उन्होंने उस लिटिल लेडी से पूछा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ सॉफ्ट केक टू गिव हिम अ सिंगल वन कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे केक हैं क्या मुझे तुम एक खाने को दोगी सो वंस सेंट पीटर केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज ही सो शॉर्ट वुमन अ लिटिल वुमन शी वॉज मेकिंग केक्स The saint had eaten nothing all day. He was feeling very weak and very tired. It was going to be night, so he asked the woman to give him a cake from her store of cakes. तो बच्चों, उन्होंने मांगा है एक केक उस little lady से खाने के लिए। देखिए बच्चों, the lady was making cake at that time. And this is her, that is चूल्हा। यहाँ पर वो उसको bake कर रही थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंज आप सोशी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एट एज इट बेकिंग बच्चों अब वो लेडी तो बना ही रही थी उसने क्या किया लिटिल केक छोटा सा केक बनाया बिल्कुल छोटा सा बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट और जैसे उसने ना पकाने के लिए उसको हाथ में रखा वहां पर डाला उसके अंदर चूल्हे के अंदर उसे देखा एंड थॉट

डो डो मीन गुथा हुआ आटा जो बच्चों आपकी मम्मी बनाती है ना गोती है आटा तो गुथे हुए आटे को हम क्या कहेंगे डो ठीक है तो उन्होंने गुथे हुए आटे का उस लेडी ने छोटा सा बिल्कुल ही छोटा सा टुकड़ा लिया एंड एंड रोल्ड रोल्ड इट फ्लैट और उसको बिल्कुल पतला पतला बेलती गई बेलती गई फ्लैट कर दिया बिल्कुल एंड बेक्ट इट थिन एज अ वेफर अब वेफर क्या होता है बच्चों छोटा सा पतला सा बिस्किट होता है ना तो बिस्किट को तुम समझ सकते हो कि वेफर बिस्किट की तरह पतला सा इतना पतला बना दिया उसने जैसे पतली सी रोटी बिस्कुट की बनाते हैं ठीक है एशी कूडन पार्ट विद दैट और बच्चों उतना और उतना पतला बनाने के बाद भी वो उसको देने की उसकी इच्छा नहीं हुई उसका मन नहीं था कि वो भी सेंट पीटर कोई सेल्फ एंड टू लास्ट टू गिव अवेट ऑन दहा मेरे केक्स जब मैं देने जा, देने होते हैं मुझे किसी को तब तो, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े हैं बट When I eat of them myself, लेकिन जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो लगता है वो बहुत हैं, and ये तू तू और देने के नाम पे वो बहुत बड़े बन जाते हैं सोशी पुट देम ऑन द शेल्फ तो उसने बच्चों वो भी नहीं दिया वे जैसा जो पतला था उसने केक का पीस अभी बनाया था वो भी नहीं दिया वो भी अपनी शेल्फ अलमारी के अंदर रख लिया नावशीमेट अनदर केक इट वाज एज थिन एज अ वेफर जितना पतला एक वेफर होता है उतना पतला बट शी कुडन पार्ट विथ दैट ऑल्सो शी सेड दैट हर केक्स वर टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट अवे ऑल हर केक्स ऑन द शेल्फ शी डिडेंट गिव द सेंट एनी केक अब बच्चों सेंट बेचारे भूखे थे सेंट पीटर फिर भी उसने तीन बार कर लिया और तीनों बार में से उसने एक भी केक का पीस सेंट पीटर को नहीं दिया तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में बच्चों अब गुड, वैसे तो बहुत नोबल थे उनको गुस्सा नहीं आता था आमतौर पर लेकिन उस लेडी को देखकर उन्हें बहुत एंगर गुस्सा आया बहुत ज्यादा फॉर ही वॉज एंड फेंट उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी और फेंट वो टायर्ड थे वीक थे एंड श्योरली सच ए वुमन वॉज to make angry, क्रोध दिलाना और ऐसी तो आराम से क्रोध दिला सकती है एक अच्छे से अच्छे इंसान को क्योंकि तीन केक केक बच्चों उसने उसने बनाए और तीनों में से एक भी सेंट पीटर को नहीं दिया एंड ही टू अब फॉर्म टू को गुस्सा आ गया बच्चों और उन्होंने कहा यू आर फार टू सेल्फिश तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो टू dwell फॉर्म live। एक ह्यूमन फॉर्म में एक आदमी के रूप में रहने के लिए तुम उपयुक्त नहीं हो क्योंकि आदमी कौन होता है बच्चों आदमी वही जो दूसरे आदमी के काम आए है ना तो वो तो सेल्फिश थी वो तो बिल्कुल भी हेल्प करके खुश नहीं थी सेंट पीटर की तो उसने कहा तुम बिल्कुल भी मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं हो टू हैव बहुत फूड एंड शेल्टर तो ना तो तुम्हें फूड मिलना चाहिए ना तुम्हें शेल्टर आश्रय मिलना चाहिए तुम भोजन के लायक भी नहीं हो शेल्टर के लायक भी नहीं हो और ना ही लायक हो फायर के जो कि तुम्हें इन सर्दियों में वॉर्म करती है उष्मा देती है गर्म रखती है अब देखो बच्चों को काफी गुस्सा आ गया है अब वो कहते हैं सेंट पीटर यू वेरी एंग्री सेट यू आर वेरी सेल्फिश यू डोन्ट डिजर्व टू लिव इन फॉर्म ठीक है तो बच्चों आगे वो क्या करेंगे उनको गुस्सा आ चुका है देखते हैं ये देखिए बच्चों सेंट पीटर बिकेम वेरी एंग्री नाउ यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड्स टू एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल दे इन द हार्ड ड्राईवर्ड देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वो शी वॉज चेंज टू बर्ड अब बच्चों तुमने रामायण महाभारत तो बहुत देखी होगी जब हमारे ऋषि मुनियों को गुस्सा आता है वो क्या करते हैं जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कहते ना तो वो श्राप इंग्लिश में हम कहते हैं कर्ज सी यू आर एस ई तो उन्होंने भी सेंट पीटर को भी बहुत गुस्सा आ गया उन्होंने भी उसे श्राप दिया कर्स दिया अभिशाप सी यू आर एस सी आप याद करें वर्ड को क्या अभिशाप दिया नाउ यू शेल बिल्ड एज अ बर्ड्स डू अब तुम पक्षियों की तरह रहोगी एंड शेल गेट योर स्केंटी फूड और जैसा पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और स्केंटी मीन्स बहुत थोड़ा लिटिल फूड उनको खाने को मिलता है तुम्हें भी ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग बोरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों टू मेक होल्स छेद करती रहोगी तुम पूरे दिन पेड़ के अंदर इन द हार्ड ड्राई वुड सख्त सूखी हुई लकड़ी के अंदर पूरे दिन तुम होल्स बनाओगी वेंट थ्रू द चिमनी बच्चों फिर क्या हुआ चिमनी जो होती है जहां से धुआं बाहर निकलता है वो उसमें चली गई वो लेडी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एक भी शब्द नहीं कहा एंड आउट ऑफ द टॉप और चिमनी के बाहर से क्या निकलता है अ वुड पैकर यानी कि वो जो औरत है वो परिवर्तित हो गई है कन्वर्ट हो गई है चेंज हो गई है एक वुड पैकर के अंदर अब ये वुड पैकर क्या होता है बच्चों कटफोड़वा देखा है आप लोगों ने कटफोड़वा मैं दिखाऊंगी अभी आपको कैसा होता है कठफोड़वा क्या करता है बच्चों काठ में यानी कि लकड़ी के अंदर सारे दिन छेद करता है और उसे थोड़े बहुत कीड़े वहां पर खाने को मिलते हैं केवल उन थोड़े से कीड़ों से अपना पेट भरता है तो सेंट पीटर ने उसे अभिशाप दे दिया है कर्ज दे दिया है एंड शी वॉज चेंज इन टू अ वुड पैकर और वो लेडी अब एक वुड पैकर में एक कठफोड़वे में बदल गई है फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड तो वो एक बर्ड में तब्दील हो गई है अब देखिए बच्चों द लेडी वॉज चेंज टू अ वुड पैकर यह है वुड पैकर जो सारे दिन लकड़ी के अंदर छेद करता है होल्स करता है बोरिंग बोलते हैं इसको बी ओ आर आई एन जी और उसे खाने को क्या मिलता है स्केंटी फूड बहुत ही कम भोजन चलिए लास्ट आप बच्चों वो जो लेडी थी ना उसने अपने सिर पर एक कैप पहन रखी थी टोपी कैसी स्कारलेट गहरे लाल रंग की एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम और बच्चों वुड पैकर के सिर पे भी तुम्हें एक टोपी की तरह का स्कारलेट यानी कि डार्क रेड कलर का कुछ मिल जाएगा अभी दिखाऊंगी तुम्हें ध्यान से देखना बट ऑल द रेस्ट ऑफ अ क्लोज वॉर बर्न उसके सारे कपड़े जल गए ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम ऐसे जल गए जैसे ब्लैक इतने ब्लैक जैसे फ्लेम के अंदर जो ज्वालाएं होती हैं आग की उनके अंदर कोयला जैसे काला हो जाता है ना उतने काले हो गए उसके कपड़े और जल गए लेकिन उसके सर पे जो लाल टोपी थी स्कारलेट कलर की डार्क रेड बोलेंगे बच्चों स्कारलेट कलर को वो गहरे लाल रंग की टोपी वही रही ठीक है तुम देखना अभी वुड पैकर में ध्यान से एक गहरे लाल रंग की टोपी तुम्हें ऊपर दिखाई देगी एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन इन द वर्ल्ड कंट्री स्कूल के हर स्कूल ने उसे बुड के अंदर जंगल के अंदर देखा है वेयर शी लिवस इन दीज टिल दिस वेरी डे जहां पर वो आज भी पेड़ों के अंदर रहती है बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड और वो बच्चों होल्स बनाती रहती है पेड़ के अंदर ताकि उसे कुछ भोजन खाने को मिल जाए कंपोज बाय फी बी कैरी सो From now onwards you shall build your home as birds do saint peter said you shall have your little food by boring the hardwood of trees the woman went up through the chimney of a house she couldn't speak even a word when she came out of the top she was a woodpecker she had been changed into a bird she had a scarlet cap on her head इट वॉज लेफ्ट द सेम एज इट वॉज मैं दिखाऊंगी अभी आपकी कैप देखना स्कारलेट कलर की आपको दिखाई देगी वुड पैकर के ऊपर भी बट ऑल हा अदर क्लोज वो बर्न ब्लैक लाइक खोल इन द छिमनी फ्रेम दिस बर्ड कैन बी सीन इन द वुड्स जंगलों में आज भी आप उस बर्ड को देख सकते हैं इट लिवस इन द ट्रीज वो वहीं पेड़ों पर ही रहते हैं इट कीप्स बोरिंग द ट्री फोर इट्स वोड ओल्ड ए और बच्चों पूरे दिन वो पेड़ के अंदर छेद बनाते रहते हैं होज बनाते रहते हैं ताकि थोड़ा बहुत खाना उन्हें मिल जाए तो देखिए बच्चों आप देखिए स्कारलेट कलर की कैप दिखाई दी आपको गहरे लाल रंग की क्योंकि यू रही शी कैप बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग इन द हार्ड ड्राई वुड तो बच्चों क्या शिक्षा मिली हमें वी मस्ट नॉट बी सेल्फिश ठीक है वन ह्यूमन बींग मस्ट है अनदर हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए ठीक है अगर हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई सामने वाला हमारी मदद करेगा अगर हम सेल्फिश होंगे तो कैसा होगा हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा जैसे उस लेडी के साथ हुआ शी वॉज चेंज इन टू अ वैकअप तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पोइटिक डिवाइसेस सबसे पहले सिमिली है इसके अंदर इस पोएम के अंदर सिमिली क्या होती है बच्चों जब हम दो चीज़ों का कंपेरिजन करें दो चीज़ों की तुलना करें और तुलना करते वक्त हम लाइक या एज का यूज करें तो होती है सिमिली ठीक है वन पोइटिक डिवाइस यूज इन फीबी कैरीज इज सिमिली अ सिमिलीजन दैट यूज लाइक और एज कैरी अ सिमिली विद द वर्ड लाइक वैन शी कंपेयर्स द दिल्ल टू यंग एनिमल्स एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्सूज एज टू क्रिएट अ सिमिली अन शी सेज ऑफ द सेल्फिश वुमन्स ब्रेड इट वॉज बेग्ड थिन एज अ वेफर तो दो हैं बच्चों एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक चिल्ड्रन की तुलना की थी भालू के बच्चों से और दूसरे में थिन एज अ वेफर इतना पतला जितना पतला होता है वेफर तो पहले वाली में लाइक like यूज हुआ दूसरी में एज तो यहां पर दो सिमलीज पोइट ने यूज की बच्चों अलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है द यूज ऑफ द सेम बिगिनिंग कॉन्सनेट साउंड इन लाइन ऑफ वर्ड्स जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स अब देखो पी 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 साउंड इज रिपीटेड हियर ट साउंड जब रिपीट हो बार बार तो अनुप्रास अलंकार होता है जैसे हिंदी का एग्जाम्पल चारू चंद्र की चंचल च च च च ठीक है अब अलिट्रेशन के एग्जाम्पल भी है यहां पर रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सनेट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स प्लेस क्लोज टूगेदर वैंड शी रेफर्स टू द फनी फरी क्लोज विद साउंड इज रिपीटेड एफ साउंड इज रिपीटेड इन फनी एंड फरी सो अलिट्रेशन इज यूज बच्चों मैंने शुरू में तुम्हें बताया था बैलेट ऑलवेज ज अराइम स्कीम बैलेट में हमेशा ही एक राइम स्कीम होती है तो इस पोए की राइम स्कीम है ए बी सी बी तो बच्चों कर लेते हैं विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द नॉर्थलैंड रेफर्स टू द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल विच इज एक्सट्रीमली कोल्ड इट कुड बी एनी कंट्री लाइक रशिया कैनेडा ग्रीनलैंड नोवे एक्सेट्रा वॉट इट सेंट पीटर आज द ओल्ड लेडी फो वट वॉज रिएक्शन क्या मांगा था सेंट पीटर ने लेडी से केक मांगा था ना और रिएक्शन क्या था उसने तो छोटे से छोटा केक बनाते बनाती वो भी नहीं दिया सेंट पीटर आज द लेडी टू गिव हिम अ केक एज ही हंग्री द लेडी डिडेंट गिव हिम अ केक आउट ऑफ द दैट शी हैड शी बेक द स्मॉलर वन फॉर हिम हाउ डिड ही पनिशर क्या पनिशमेंट दी

वर्ड शी हैव डन देन अगर लेडी को पता होता कि ये सेंट पीटर है तो क्या वो फिर भी इतनी अनचेंदरस होती उसने देखो मदद नहीं करी ना उसकी इफ द लेडी ओल्ड इफ द ओल्ड लेडी न्यू हु सेंट पीटर वॉज देन शी वुड नॉट हैव बीन अनचेंदरस ऑन द अदर हैंड शी वुड हैव सर्वड हिम वेल फॉर द फुलफिल्मेंट ऑफ अर ग्रेडी डिजायर्स इज दिस अ ट्रू स्टोरी बच्चों पोयम में पहले ही उसने बता दिया था पोइट ने ट्रू स्टोरी नहीं है विच पार्ट ऑफ दिस पोयम डू यू फील इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तुम्हें क्या लगता है कौन सा पार्ट है सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट इट इज नॉट अ ट्रू स्टोरी द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमन इज टर्न इन टू वुट बैक अ वर्ड इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज सो बिकॉज द पनिशमेंट टीच इज एवरी वन द लेसन टू बी जेनरस पनिशमेंट से लोगों को सीखने के मिलेगा कि हमें जेनरस होना चाहिए उदार हृदय होना चाहिए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए What is a legend? Legend क्या होता है? Why is this poem called a legend? इस poem को legend क्यों कहा गया है? A legend is a popular story from the past which is believed to be true but cannot be verified. It contains a moral which is narrated to the children to teach them moral values. तो बच्चों legend क्या होता है? Popular story होती है जो प्राचीन काल से चली आ रही होती है। ये नहीं कह सकते हम ट्रू है कि नहीं वेरीफाई नहीं किया जा सकता उसको लेकिन उसमें एक मॉरल लेसन जरूर होता है नैतिक शिक्षा जरूर होती है ताकि बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सके राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट टेन सेंटेंसिस बच्चों ये पूरी समरी है आपके लिए इसकी क्वेश्चन भी है टेक्चुअल कि दस लाइनों के अंदर पूरी समरी आप इसकी लिखें तो समरी ध्यान से सुनेंगे आपकी पोएम भी रिवाइज हो जाएगी वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज विद वूमन लिफ्ट एक बार की बात है सेंट पीटर प्रवचन दे रहे थे वर्ल्ड के अंदर और एक कॉटेज के पास पहुंचे जहाँ पर एक लेडी रहती थी शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन अ हाथ वो बच्चों केक बना रही थी उनको बेक कर रही थी एक चूल्हे के अंदर सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर बहुत वीक हो रहे थे वो टायर्ड थे भूख लगी हुई थी उन्हें उनके पास था लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक और उन्होंने उस लेडी से मांगा कि एक केक का टुकड़ा मुझे दें द केक दैट शी वॉज बेकिंग अपीयर टू बी टू बिग सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट एंड इंस्टिट शी बेक्ड अनदर स्मॉल अब बच्चों जो वो उसे मैं केक को बेक कर रही थी वो तो बहुत बड़ा लगा उसे उसे सोचा कि ये तो नहीं दूंगी मैं एक छोटा बना देती हूँ देने के लिए दैट ऑल्सो अपीयर टू बी बिग सो शी गिव हिम दैट ऑल्सो अब जो दूसरा बनाया वो भी उसे बहुत बड़ा लगा उसने वो भी नहीं दिया अब बच्चों बिल्कुल ही छोटा केक बनाया और जब देने की बात आई, तब उसे लगा, अरे ये भी बहुत बड़ा बन गया तो उसे वो भी सेंट पीटर को नहीं दिया इन दर्ड शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ डो एंड इट फ्लैट अब उसने क्या किया बच्चों तीसरे अटैम्प्ट के अंदर एक्स्ट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा लिटल छोटा सा स्क्रैप मीन्स टुकड़ा लिया डो का गुथे हुए आटे का रोल्ड इट फ्लैट और उसे बेलन से फ्लैट कर दिया बिल्कुल फ्लैट कर दिया शी हैड इट एज थिन एज अ वेफर उतना फ्लैट कर दिया बच्चों इतना पतला कर दिया थिन कर दिया जितना कि एक वेफर होता है बट वॉज अनेबल टू पार्ट

श्राप दिया एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ पैक बर्ड और उसने उसे कट फोर्डवे वाले पक्षी के रूप में परिवर्तित कर दिया हु हैड टू गो इन हार्ड ड्राई वुड टू गेट इट्स कैंटी फूड जिसे पूरे दिन एक हार्ड सख्त ड्राई सूखी हुई वुड यानी कि लकड़ी के अंदर सारे दिन होल्स करने थे ताकि वो अपना थोड़ा बहुत भोजन कैंटिन्यूस लिटिल भोजन को प्राप्त कर सके शी कैन बी सीन इन द ट्रीज ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड अब उसे पूरे दिन देखा जा सकता था जंगलों के अंदर पेड़ के ऊपर बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग कॉन्टिन्यूसली पेड़ों के अंदर होल्स बनाते हुए ताकि वो अपना थोड़ा सा भोजन कीड़े मकोड़ों के रूप में प्राप्त कर सके तो बच्चों ये थी तुम्हारी पोएम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड I have discussed in in both languages, Hindi and English. I hope you have liked the explanation. Thank you so much for watching. And this presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh District, Chadjar. Thank you so much for watching, children. Take care, all of you. See you.